खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर की है, जहां आधा दर्जन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में हुआ। वहीं आरपीएफ की टीम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं का उत्पीड़न कर रही है। इस योजना से देश का युवा नाखुश है। अग्निपथ योजना को जबरन लागू किया तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और आज उसी क्रम में आज हम लोग रेलवे स्टेशन में आकर सांकेतिक विरोध करना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल सांकेतिक विरोध कर सरकार को चेतावनी देना था, और हम कहना चाहते थे कि अगर जल्दी अग्निपथ वापस नहीं हुआ तो हम बड़े स्तर पर प्रदेश भर में ट्रेनें रोकने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमने कोई ट्रेन नहीं रोकी। हमारी वजह से कोई एक मिनट भी ट्रेन डिले नहीं हुई, लेकिन हिटलर शाह सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। देखिए, अग्निपथ